हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल स्वाद कढ़ाई का। में आज हम बनाएंगे गोभी मटर के पुलाव। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको ये कुकर में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर में रिफाइंड घी तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लेंगे। घी की कभी मैं मात्रा नहीं बताती हूँ आपको। अगर आपने कम डालना है तो आप कम लेंगे, अगर आपने ज़्यादा घी तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा लेंगे। एक चम्मच जीरा लेंगे, 8-10 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 2 तेज पत्ते डालकर इनको भूनेंगे। जब भी आप तड़का स्टार्ट करते हैं तो गैस को मंदी रखें। तेल गर्म होने के बाद गैस को मंदा कर दें और फिर तड़का बनाएं। और उसके अंदर हमने 2 बड़े प्याज बारीक बारीक काट लिए थे। अब इन हम सब चीजों को भूनेंगे। पुलाव का नाम आते ही दिमाग में आता है खड़ा मसाला, तो खड़े मसाले के बगैर ये स्वाद अधूरा होता है, वो जरूर डालें। इसमें हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3-4 हरी मिर्च ली है, इसको भी साथ ही भूनते रहेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ब्राउन करने में और पिंक करने में पुलाव का टेस्ट चेंज हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालकर इन सब के स्वाद को आपस में मिक्स करेंगे हम। ये देखिए, जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक। नमक हम डबल डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर हमने कम लिया है क्योंकि इसमें खड़ा मसाला और हरी मिर्च भी हमने डाली है। और ये हमने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मसाले को भूनेंगे। ये जब मिक्स हो जाए, मिक्स होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका मसाला भुन गया है। जब तक आप थोड़ा सा पानी डालकर उसके स्वाद को आपस में मिक्स नहीं करेंगे तब तक वो मसाला भुना हुआ नहीं होता है। अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये मसाला भून गया हमारा। मसाला भूनने का मतलब है घी अलग से निकल के बाहर आ जाता है आपके मसाले से। ये हमने 2 बड़े आलू लिए थे और ली है गोभी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी कटी हुई गाजर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और हमने इसमें मटर डाले हैं। इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। थोड़ा सा मसाले का स्वाद सब्जियों में आने देंगे। तो इसके लिए हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे और 2-3 मिनट बाद ये जो हमारे मसाले का फ्लेवर है सब्जियों में आ चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इस बारे में मुझसे जरूर बातें कीजिए और मुझे बताया कीजिए कि आपको कैसी लगती है। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। इतने मसाले के अंदर हमने 1/2 किलो चावल लिए हैं। ये हमने बासमती चावल लिया है।
इसको ज्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि हमने इस चावल को भिगोया हुआ था, तो अगर ज्यादा चलाएंगे तो चावल बीच में से टूट जाएगा। अब हमने इसको कटोरी से नापा था तो ये एक कटोरी चावल थे, और अब हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। एक कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी, हल्के हाथों से इसको चलाएंगे। और इसमें सिर्फ एक सीटी आने तक रुकेंगे, कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसमें एक सीटी आने देंगे। एक सीटी आने के बाद इसकी गैस निकाल देंगे और 5 मिनट बाद खोलेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट चावल बने हैं। तो अगर ये पुलाव आपको पसंद आता है, इसको ज़्यादा घुमाने चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एकदम मिक्स बना हुआ है, साइड से ही इसको काट कर निकालना शुरू कर देंगे। आपको इसकी खुशबू नहीं आ रही होगी, नहीं तो आपका मन करता है कि इसको खा लिया जाए, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो आप इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों का मज़ा ले सकेंगे। आप इसे बनाएं, पूरी सर्दी इसका आनंद उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, और मुझे बताया ज़रूर करें कि आपको ये चीज़ें कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, या मुझे इनमें चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू।